everyone, welcome back to my channel. तो आज हम एक product का review share करने वाले हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा in है market में और वो है मेरे पास Dermasuction का Blackhead remover machine. तो आज ये packet मेरे पास नायका से receive हुआ है तो पहले हम इसकी unboxing कर लेते हैं and let's check इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें available है हमारे पास. You can see the packaging. ये एक ऐसा brown paper में pack होके आया है मेरे पास. और इसका आउटर लुक यू कैन सी गाइस, ये कुछ ऐसा है. तो गाइस ये प्रोडक्ट मैंने नायका से ऑर्डर करा था और मेरे को ये पड़ा था अराउंड 515 का. तो मैं इसे ओपन करती हूँ, लेट्स चेक इसके अंदर है क्या. सबसे पहले मेरे को इसके अंदर एक बुकलेट रिसीव हुई है. आई थिंक अगर मैं इस बुकलेट को एक बार पढ़ लूँ तो आई एम वेरी मच क्लियर कि इस प्रोडक्ट को हमें कैसे यूज करना है स्टेप बाय स्टेप. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मेरे पास एक मोटर है इसके अंदर. ये थोड़ा मुझे बनाना शेप में लग रहा है. इसका जो लोअर पोर्शन है वो व्हाइट है और जो अपर पोर्शन है वो थोड़ा ब्लूइश और पर्पल के टोन में है, आप देख सकते हो. और इसके पास एक बटन दिया हुआ है बीच में, दिस इज द स्टार्ट. अगर आप इसको नीचे करते हो तो ये ऑफ होता है, आप बीच में करते हो तो ये थोड़ा मीडियम में स्टार्ट होगा और सबसे ऊपर करेंगे तो ये अपने फुल पावर पे स्टार्ट हो जाएगा. यू गाइस कैन सी दिस, फुल मीडियम एंड देन स्टॉप. अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये फुल्ली बैटरी ऑपरेटेड है. अब देखो इसमें हमारे पास दो सेल्स डालेंगे. You guys can see this. इसके पास दो सेल डालेंगे. We don't need to charge this again and again. आप इसमें बैटरी डालिए और मस्त यूज करिए अपना. इसके बाद हमें इसमें दिए हैं तीन सक्शंस. You guys can see तीन सक्शंस हमारे पास अवेलेबल है और एक सक्शन गाइस हमारे पास ऑलरेडी इसके ऊपर लगा हुआ है, आप देख सकते हो, विच इज डिटैचबल. आप ये वाला सेक्शन यूज करना चाहते हो तो आप ये वाला यूज करो. नेक्स्ट सेक्शन आपको अगर यूज करना है तो आप इसको इसके साथ अटैच कर दो एंड यू आर रेडी टू यूज दिस. गाइस मैं आपको बता दूं मेरे पास जो चार सेक्शंस है चारों का अलग अलग यूज है. ये नहीं कि एक सेक्शन से आपका सारा फेस का काम हो जाने वाला है. अगर आपको चार सेक्शंस दिए तो इसका मतलब कि चारों सेक्शन का अपना अलग अलग यूज होने वाला है. तो मैं एक एक करके सारे सेक्शंस का यूज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो गाइस अगर मैं फर्स्ट सेक्शन की बात करूं तो ये पास है स्मॉल हेड सेक्शन जो कि आपके डेली यूज के लिए है. डेली आपको आपको अगर कहीं जाना है तो आप इसे यूज कर सकते हो ऑन द डेली बेसिस, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू. नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये है मेरे पास लार्ज सेक्शन हेड. ये आपका ब्लैक हेड्स के लिए है. अगर आपको बहुत ज्यादा नाक के पास ब्लैक हेड हो रहा है, चिन पे है या फिर थोड़ा सा फोर हेड पे है तो दिस इज फॉर दैट. यू गाइस कैन सी दिस, दिस इज लार्ज सक्शन होल. गाइस नेक्स्ट सक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये है मेरे पास ओवल सक्शन. यू कैन सी दिस, ये आपके इनर कॉर्नर्स के लिए है, नाक के पास जो हमारा इनर कॉर्नर होता है यहाँ के लिए. और यू कैन सी अगर हमें यहाँ पे अगर क्लीनिंग करनी है तो ये ओवल सक्शन हमारा परफेक्ट होगा इसके लिए. आप इसका देख सकते हैं जो इसका माउथ है ये ओवल शेप में है. सो गाइज नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है मेरे पास सोनिक हेड. ये हमारा पूरा जितना भी डर्ट है फेस पे, ऑयल है, उसको एक्सफोलिएट करने में हेल्प करते हैं. अगर आपके अगर आप इसके टिप पे देखें तो थोड़ा हार्ड सा मटेरियल दिया हुआ है जो कि ऑयल पुलिंग में एकदम परफेक्ट काम करने वाला है. यू गाइज कैन सी दिस यहाँ पे. अगर आप दूसरे वाले में चेक करेंगे तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस. इसका जो आउटर कॉर्नर है वहां पे कोई हार्श चीज आपको नहीं दी हुई है, बट ये जो सोनिक वाला है इसमें आपको एक हार्ड मटेरियल दिया गया है. आप आगे स्क्रब की तरह है ये, जो कि आपका सारा ऑयल जो है फेस से वो एक्सफोलिएट करने वाला है. सो गाइज अगर एक लाइन में बात करें तो दिस मशीन हैज द पावर टू स्टक द ऑल यंग आउट ऑफ योर फेस. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर वेरी फर्स्ट टाइम एंड टेल यू माई वेरी वेरी जेनरस ओपिनियन दैट आई फील अबाउट दिस मशीन.
एक चीज मैं आपको बता दूं, इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले आपके फेस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए और आप अच्छे से अपने फेस पे स्टीम ले लें ताकि ये जो मशीन है वो आपके फेस पे और अच्छे से काम करे और जितना भी डर्ट है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, वो सारा इजीली सक कर सके। तो मैं जल्दी से अपने फेस को वॉश करके आती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टीम कैसे लेता है। तो मैंने अपना पूरा मेकअप जितना भी था वो मैंने साफ कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाती हूँ जो कि हमारा है स्टीम। अपने फेस पे अच्छे से स्टीम ले लिया है, यू गाइस कैन सी। आपको कम से कम 2 to 3 minutes अच्छे से स्टीम लेना है ताकि जितने भी पोर्स है आपके फेस पे वो अच्छे से खुल पाए। इसे स्टार्ट करके देखती हूँ। हाउ दिस सक्स द फिंगर। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, 2 seconds से ज्यादा आपको एक जगह पे नहीं रखना है बिकॉज ये जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है ये स्टॉप कर देता है। सी, सो लेट्स बिगिन विद आवर नोज। तो मैंने इसे अभी फुल पावर पे ऑन करा है। लेट्स बिगिन। आपको आराम से ऊपर से नीचे स्लाइड करना है इसे। यू डोंट हैव टू स्टॉप एट एनी पॉइंट क्योंकि ये फिर आपकी ब्लड सर्कुलेशन को रोक देगा। तो मैंने ये एक बार यूज करके ट्राई करा अभी। इफ यू कैन सी, लॉट एंड लॉट ऑफ डर्ट इज देयर। दिस इज अमेजिंग। सो गाइज, आई हैव यूज दिस वंस। यू गाइज कैन सी कितना सारा डर्ट मेरे नोज से निकला है। दिस इज अमेजिंग। दिस इज सुपर अमेजिंग प्रोडक्ट। यू कैन सी लॉट्स ऑफ व्हाइट हेड्स आर देयर। अगर मैं बात करूँ ब्लैक हेड्स की तो आई हैव अ लॉट ऑफ ब्लैक हेड्स ऑन माई नोज, बट अगर मैं इसमें चेक करूँ तो ब्लैक हेड्स ज्यादा रिमूव नहीं होते आपके। जितना भी व्हाइट हेड है आपके नोज पे वो सारा इसने अच्छे से सक कर लिया है। तो मैं अब इसको थोड़ा अपने चिन पे अप्लाई करने वाली हूँ। Can you see? This is doing just amazing. See. मैंने अब ये चेंज कर दिया है अपना स्मॉल सेक्शन और यू कैन सी ओवल हेड से, ताकि मैं अपने इनर कॉर्नर्स जो है मेरे नोज के उसको मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ। यू कैन सी बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है ये इनर कॉर्नर्स पे। सारा डर्ट एक बार में क्लियर कर देगा ये। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है पहले से। सो गाइज, दिस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर मी जस्ट राइट नाउ। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, यू हैव टू गिव जस्ट 10 minutes टू योर नोज और टू योर एनी पार्ट ऑफ द फेस टू क्लीन इट एंड यू आर रेडी टू गो। सो गाइज, अगर इस प्रोडक्ट की रिव्यू की बात करें तो दिस इज 10/10 फॉर व्हाइट हेड्स, बट द पीपल हु आर हैविंग ब्लैक हेड्स लाइक मी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट एफिशिएंट ऑन यू, बट फॉर व्हाइट हेड्स दिस प्रोडक्ट हैज 10/10 फॉर मी। So I loved using this product. If you are searching for any applicator that can clean your whiteheads, so this is a must for you. So guys, agar aapko ye review video acha laga mera to do like, share and subscribe.